गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल एट होम। स्टूडेंट्स, लास्ट जो टू डेज थे उसमें मैंने होमवर्क नहीं सेंड कर पाया, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से जो है ऐसा हो गया था। तो अब हम अपना काम जो आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम फर्स्ट लेसन कर रहे हैं पार्ट ए का, जिसके अंदर हम भूगोल की जो एक विषय के रूप में हम कैसे उसके अध्ययन करते हैं, कैसे उसको पढ़ते हैं, उसमें कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसको हम अच्छे से जानते हैं। तो आज हम वही टॉपिक जो आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है वो हमारा भूगोल की शाखाएं। ये जो भूगोल विषय है उसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं। भूगोल अध्ययन का एक अंतरिक्षण विषय है। प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के अनुसार किया जाता है। इस दृष्टि से भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम हैं। पहला है विषय वस्तुगत एवं दूसरा है प्रादेशिक। विषय वस्तुगत भूगोल का उपागम वही है जो सामान्य भूगोल का होता है। यह उपागम एक जर्मन भूगोलवेत्ता एलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट द्वारा प्रवर्तित किया गया, जबकि प्रादेशिक भूगोल का विकास हेम्बोल्ट के समकालीन एक दूसरे जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रेटर द्वारा किया गया। तो बच्चों, यहाँ पर कहते हैं कि जो विषय वस्तु के आधार पर तो जो है हेम्बोल्ट ने इसको इस विषय पर प्रकाश डाला, जबकि जो प्रादेशिक भूगोल है उसका विकास हेम्बोल्ट के समकालीन ही जो ना उसके टाइम पर ही जो ना एक और जर्मन भूगोलवेत्ता जिसका नाम जो है कार्ल रेटर था, उसके द्वारा जो है ये प्रस्तापित किया गया। विषय वस्तु गत उपागम में एक तथ्य को पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है, तत्पश्चात क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। उदाहरणार्थ, यदि कोई प्रकृति वनस्पति के अध्ययन में रुचि रखता है तो सर्वप्रथम विश्व स्तर पर उसका अध्ययन किया जाएगा, फिर प्रकारात्मक वर्गीकरण जैसे विषुवतीय रेखीय सदाबहार वन, नरम लकड़ी वाले कोणधारी वन अथवा मानसूनी वन इत्यादि की पहचान, उनका विवेचन तथा सीमांकन करना होगा। प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न पदानुमक स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है, फिर एक विषय प्रदेश के सभी भूगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो ये क्या कहता है कि यहाँ पर एक सिंपल सी बात है कि अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले रहे हो ज्योग्राफी के, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसको जो है हम पूरी डिटेल में पढ़ने के बजाय जो ना उसका जो मुख्य जो विषय है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और स्टार्टिंग में उसका अध्ययन करने के बाद जो है हम उसके डीपली जाएंगे। तो यहाँ पर जो डीपली जाएंगे उसको प्रादेशिक बोलते हैं, और जो मेन हम पढ़ते हैं तो उसको बोलेंगे विषय वस्तु। तो जहाँ डीपली जाना ही जो ना वो प्रादेशिक जो है वो मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप भारत के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि हम भारत के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जानेंगे, कितना क्षेत्रफल है इसका, इसमें किस प्रकार की जलवायु है, कैसी जो ना यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है, तो हम ऐसे उसको भारत को जानेंगे। लेकिन जब हम कोई एक टॉपिक लेते हैं तो उसके अंदर फिर हम डीपली जो है उसमें जाएंगे। अब जैसे कि हमने मिट्टी का एक टॉपिक ले लिया है हमने, तो मिट्टी का जो टॉपिक ले लिया है फिर हम देखेंगे कि मिट्टी जो है भारत के अंदर कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की पाई जाती है, फिर हम उस क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे कि जैसे जो चलो हरियाणा और पंजाब के अंदर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उस मिट्टी के निर्माण के पीछे क्या कारण है। तो यहाँ भी अगर हम देखते हैं तो पूरे हरियाणा पंजाब के अंदर या अपने हरियाणा के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की जो है सॉइल यानी मिट्टी जो है वो मिलती है। तो ऐसे जो हम अध्ययन करेंगे यानी कि हम उसको ओवर डिवाइड कर देते हैं, उसको पार्ट से आगे पार्ट हम डिवाइड करेंगे तो वो प्रादेशिक आ जाता है वो, और जो मेन जो विषय वस्तुगत है वो मेन आ जाता है। तो यही दो ही जो ना ये मेन इसमें डिफरेंसेस हैं। अब हम बात करते हैं भूगोल की शाखाएं। तो भूगोल की शाखाओं के अंदर जो है हम सबसे पहले करेंगे विषय वस्तुगत या कर्मबोध भूगोल उपागम के आधार पर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो विषय वस्तुगत जो है उसके आधार पर जो है भूगोल की शाखाओं को हम वर्गीकरण करेंगे। तो भौतिक भूगोल आ जाता है इसके सबसे पहले मुख्य शाखा। भू आकृति विज्ञान, यह भू आकृतियाँ उनके क्रम विकास एवं संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। उसके बाद है जल विज्ञान, इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, मौसम तथा जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार तथा जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद जल विज्ञान आ जाता है। जल विज्ञान के अंदर देखो बच्चों क्या है कि भौतिक भूगोल के अंदर जो हमारे प्राकृतिक जो तत्व है उनका ही अध्ययन किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले भू आकृति आ गया, जलवायु विज्ञान आ गया, अब जल विज्ञान आ गया। तो यहाँ पर कहता है कि जो धरातल के अंदर जहाँ जहाँ जो जल मिलता है, चाहे वो समुद्र के अंदर है, नदी के अंदर, झील के अंदर है, कोई जलाशय है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें मानव और साथ के साथ जो जीव है उनके साथ
उनका उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, तो उस प्रभाव का जो अध्ययन किया जाता है जल विज्ञान के अंदर। उसके बाद ये कहता है कि मृदा भूगोल, इसमें मिट्टी के निर्माण के बारे में, उसके किस प्रकार निर्माण होता है, मिट्टी के प्रकार के बारे में अध्ययन किया जाता है, उनका स्तर अध्ययन किया जाता है, उसका वितरण का अध्ययन किया जाता है, उसका उपयोग का अध्ययन किया जाता है। तो वो सब जो भी अध्ययन करते हैं हम मृदा भूगोल का, तो उस विषय को जो हम मृदा भूगोल या सोयल ज्योग्राफी जो उसको बोल देते हैं। उसके बाद है हमारा मानव भूगोल, सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, जिसके अंतर्गत समाज तथा इसकी स्थानीय प्रादेशिक गत्यात्मकता एवं समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। देखो बच्चों, एक तो हो गया हमारा भौतिक भूगोल और उसके बाद जो है मानव भूगोल। बच्चों मानव भूगोल के अंदर क्या होता है कि जो मानव जो है वो क्या करता है कि प्राकृतिक तत्वों पर जो है वो निर्भर है। क्या है? प्राकृतिक तत्वों पर वो निर्भर है। तो ये भी जो ना एक हमारे ज्योग्राफी का ही ये एक पार्ट है, भूगोल का एक जो ना ये विषय है मानव भूगोल। तो इसमें क्या होता है कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो है हमारी सभ्यता है वो किस सभ्यता किस प्रकार बनी है, समाज का क्या योगदान है उससे हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर, तो इसका अध्ययन जो है वो किया जाता है। उसके बाद है जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। इसमें क्या होता है कि यहाँ जो है जनसंख्या के अध्ययन करते हैं कि कितनी जनसंख्या जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, कितनी जनसंख्या नगरीय जनसंख्या है, वो कौन सी गतिविधियाँ करती है, आर्थिक गतिविधियाँ कौन सी करती है, कि प्राथमिक जनसंख्या प्राथमिक क्रिया में कितनी जनसंख्या लगी हुई है, द्वितीय क्रिया में कितनी लगी हुई है, तो उनका अध्ययन किया जाता है। उनका वितरण के बारे में, उनका घनत्व के बारे में, लिंग अनुपात, कहाँ प्रवास करती है, कहाँ रहती है, क्या व्यवसाय करती है, तो ये सभी बातें जो है हम जो है हमारी जनसंख्या भूगोल के अंदर करते हैं। उसके बाद है आर्थिक भूगोल। यह मानव की आर्थिक क्रियाएं जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन स्थापना तत्व एवं सेवाओं का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है ऐतिहासिक भूगोल। यह उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्षेत्र को संगठित करती है। प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने के पूर्व ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरता है। भूगोल तत्वों में ये सामयिक परिवर्तन होते रहते हैं, इनकी व्याख्या जो ऐतिहासिक भूगोल के अंदर जो की जाती है। उसके बाद है राजनीतिक भूगोल। यह क्षेत्र की राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है एवं सीमाओं, निकट पड़ोसी इकाइयों के मध्य भूविन्यास की संबंध, निर्वाचन क्षेत्र का जो प्रीमिशन है वो अध्ययन किया जाता है, साथ के साथ जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए सिद्धांतिक रूपरेखा विकसित करता है। देखो बच्चों, जो राजनीतिक भूगोल है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारे राज्यों की सीमाएँ हैं या फिर देश की सीमा है वो भी इसमें निर्धारित की जाती है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ राज्य है वो क्षेत्र के आधार पर जो उनको बांटा जाता है, जैसे कि हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, तो वहाँ पर क्या है कि उनकी जो भौगोलिक दिशाओं के आधार पर उनको बांटा गया है। हरियाणा पंजाब को अगर अलग किया गया तो यहाँ की लैंग्वेज के आधार पर उसको अलग किया गया है। अभी लेटेस्ट जो तेलंगाना और अपना जो आंध्र प्रदेश को अलग किया गया है, तो वो उसके भाषा के आधार पर जो उनको अलग किया गया है। तो इस प्रकार के जो अलग किए जा रहे हैं वो जो सीमाएं निर्धारित की जाती है वो हमारा जो है राजनीतिक भूगोल का एक हिस्सा है। अगर हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान को जब डिवाइड किया गया है तो सीमा निर्धारित करने के लिए जो है सिंधु नदी की जो है सहायता ली गई है, और उसी प्रकार हिमालय पर्वत जो है वो चाइना और भारत को जब वो अलग करती है, उसी प्रकार कनाडा और जो अपना यूएसए अमेरिका है उनको जो स्पिरिट झील जो है वो बीच में आती है उनको अलग करती है। तो ऐसे बहुत से जो प्राकृतिक संसाधन है जिनके माध्यम से जो है उन सीमाओं को जो अलग कर की जाती है। तो ये जो सीमाओं का अध्ययन किया जाता है, उनके आपस में जो संबंध है देशों के उनका जो अध्ययन किया जाता है, वो हमारे राजनीतिक भूगोल के अंदर जो वो कंसेप्ट आता है। तो ये चीज़ें जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो हमारे जो टॉपिक बजाते हैं जो जैव भूगोल है और जो हमारे प्रादेशिक उपागम के जो भूगोल है, वो विषय जो है हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर जो उसको जानेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।